वंदे मातरम साथियों, आज जैसा कि मैंने पहले बताया कि हम एक नई श्रृंखला प्रारंभ करने जा रहे हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री। ये जो राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रृंखला जो हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, इस श्रृंखला का प्रतियोगी परीक्षाएं जो राजस्थान की है, आरएएस असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर पुलिस कांस्टेबल तक की सभी प्रतियोगी परीक्षाएं, उनके लिए ये श्रृंखला अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाली है। हम कहानी रूप में राजस्थान के मुख्यमंत्री, सभी मुख्यमंत्रियों का अध्ययन करेंगे और साथ में ही जो कोई भी साथी जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे परंतु राजनीति में रुचि रखते हैं, उनके लिए भी ये अत्यंत ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो साथियों, सबसे पहले हमारे जो मुख्यमंत्री बने राजस्थान के, किस तरह से बने, कैसे बने, उनकी हम बात करेंगे और उनका प्रारंभिक जीवन किस तरह से रहा, क्या उतार चढ़ाव रहे ये, क्योंकि वो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री जो हीरालाल शास्त्री हैं, ये स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं, तो इनसे संबंधित स्वतंत्रता आंदोलन में भी क्वेश्चन आते हैं। तो हम आज बात करते हैं राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री की। हीरालाल शास्त्री का जन्म 24 नवंबर 1899 को जोबनेर जयपुर में हुआ। इनके पिता नारायण जोशी व माता ममता जोशी थे, यानी ये प्रारंभ में क्या है, हीरालाल जोशी हैं। और हीरालाल जोशी हैं, इनका विवाह रत्ना शास्त्री से हुआ। इनकी पत्नी रत्ना शास्त्री हैं, जिनके आगे हम बात करेंगे कि वनस्थली विद्यापीठ की जिन्होंने स्थापना की है और साथ में ही पद्म श्री अवार्ड प्राप्त करने वाली और पद्म भूषण अवार्ड प्राप्त करने वाली राजस्थान की प्रथम महिला हैं। 1955 में उन्हें पद्म श्री अवार्ड मिला और 1975 में इन्हें पद्म भूषण अवार्ड मिला। इनकी एक पुत्री थी हीरालाल शास्त्री की, शांताबाई। और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है, ये प्रारंभिक शिक्षा होती है वो जोबनेर में ही होती है। इन्होंने हीरालाल जोशी जो हैं, ये हीरालाल जोशी हीरालाल शास्त्री बनते हैं 1920 में, जब ये संस्कृत में शास्त्री की डिग्री प्राप्त करते हैं। साथ ही 1921 का वर्ष भी इनके लिए महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि 1921 में इन्होंने बीए किया महाराजा कॉलेज जयपुर से और जयपुर महाराजा कॉलेज में प्रथम स्थान प्राप्त किया, यानी टॉप किया। ये अत्यंत ही कुशाग्र बुद्धि विद्यार्थी थे। इसके बाद 1921 में जयपुर प्रशासन के कहने पर इन्होंने लगभग 6 माह तक मेयो कॉलेज में पढ़ाया। यहां साथियों, अपने को ध्यान रखने वाली बात यह है कि मेयो कॉलेज है जो जयपुर में, सॉरी अजमेर में स्थापित था। यहाँ राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा दी जाती थी और यहाँ शिक्षक केवल और केवल अंग्रेज जो लोग हैं वो रखे जाते थे। हीरालाल शास्त्री प्रथम भारतीय थे जो इस मेयो कॉलेज में शिक्षक बने। हालांकि इन्हें यहाँ की जो शिक्षण कार्य है वो ज्यादा रास नहीं आया और लगभग 6 माह तक, 6 माह बाद में इन्होंने यहां से त्याग पत्र दे दिया। 1921 में ही इनका विवाह रत्ना शास्त्री से होता है और 1921 में मेयो कॉलेज से त्याग पत्र देने के बाद ये जयपुर राज्य की पीसीएस सेवा में आ जाते हैं, राज्य प्रशासनिक सेवा में आ जाते हैं। और राज्य प्रशासनिक सेवा में ये लगभग 6 साल तक कार्य करते हैं, 1921 से 1927 तक। और इन 6 साल के दौरान इन्होंने प्रयास नामक साप्ताहिक समाचार पत्र चलाया, पारिक पाठशाला नामक विद्यालय जयपुर में चलाया और राजस्थान छात्रालय नामक छात्रावास भी जयपुर में चलाया। यानी एक समाचार पत्र, एक विद्यालय और एक छात्रावास इन्होंने यहां प्रशासनिक अधिकारी रहते हुए चलाए। और इनकी कुशाग्र बुद्धि के कारण ये बहुत जल्दी उन्नति कर गए और इन 6 वर्ष के दौरान ही ये गृह विभाग और विदेश विभाग में, जयपुर से राज्य के गृह विभाग और विदेश विभाग में सचिव भी रहे।
इसी बीच इनकी जो जीवन है इसमें एक यू टर्न आता है, बड़ा परिवर्तन आता है, वो आता है 1927 में। 1927 में इनकी मुलाकात राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जयपुर में राजनीतिक जागृति पैदा करने वाले अर्जुन लाल सेठी से होती है, और अर्जुन लाल सेठी से प्रेरित होकर ये 7 दिसंबर 1927 को अपनी जयपुर राज्य की सरकारी सेवा से त्याग पत्र दे देते हैं और देश सेवा का प्रण करते हैं। तो जयपुर राज्य की सरकारी सेवा से त्याग पत्र के बाद में इनका जो पहला व्यवस्थित कार्य होता है वो जयपुर से लगभग 75 किलोमीटर दूर टोंक जिले की निवाई तहसील की, सॉरी टोंक जिला है इसकी, तहसील है निवाई, और निवाई तहसील की वनस्थली गांव में प्रारंभ होता है। जब ये यहाँ 1929 12 मई 1929 को जीवन कुटीर की स्थापना करते हैं। जीवन कुटीर है यहाँ शिक्षा देने का काम किया, यानी छोटा सा आप ये कहते हैं कि अपने घर पर ही एक बालकों को पढ़ाने का काम शुरू किया। साथ में एक ऐसा प्रशिक्षित और निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्ता तैयार करने प्रारंभ की, जो के समाज हित में और विशेषकर गांवों के पुनर्निर्माण के लिए कार्य कर सकें, इसके लिए जीवन कुटीर की स्थापना हीरालाल शास्त्री ने की। हीरालाल शास्त्री यहाँ अपनी पत्नी और अपनी बेटी शांताबाई के साथ रहते थे और घर पर ही शांताबाई को शिक्षा दीक्षा देते थे, क्योंकि यहाँ शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, स्वयं ही उसे पढ़ाते थे। परंतु थोड़ी ही समय बाद में एक अनहोनी हुई कि 12 वर्ष की आयु में इनकी पुत्री शांताबाई की मृत्यु हो जाती है, और शांताबाई की जब मृत्यु हुई तो ये अत्यंत ही दुखी हुए हैं। और इसके बाद शांताबाई के नाम पर इन्होंने 6 अक्टूबर 1936 को वनस्थली गांव में शांताबाई कुटीर नामक विद्यालय स्थापित किया। छोटी सी संस्था शांताबाई कुटीर नाम से स्थापित की। इस संस्था में पहले वर्ष में मात्र 6 बालिकाएं ने प्रवेश लिया और एक वर्ष में 6 बालिकाओं को पढ़ाया। 1943 में इस संस्था का नाम बदलकर वनस्थली विद्यापीठ कर दिया गया, और 1983 में इसी जो शांताबाई कुटीर नाम से ये शास्त्री जी ने स्थापित की थी संस्था, इस संस्था को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। और आज ये पूरे भारत में महिला शिक्षा को समर्पित सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है, वनस्थली विद्यापीठ। ये एक पक्ष था कि इन्होंने सामाजिक कार्यों में अपना कदम रखा और उसकी ओर बढ़े। इसी बीच में क्या है कि इनकी जो ये सामाजिक कार्यकर्ता त्यार जो 1929 में जीवन कुटीर के माध्यम से ये कर रहे थे, इन्हीं सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से इनकी विचारधारा आसपास की रियासतों में भी फैली, और ये सामाजिक कार्यकर्ता बाद में अलग अलग रियासतों में जन जागृति के अग्रदूत भी बने। तो 1937 में जयपुर प्रजामंडल के मुखिया जमनालाल बजाज है, वो हीरालाल शास्त्री को जयपुर प्रजामंडल के पुनर्गठन का कार्यभार सौंपते हैं, और हीरालाल शास्त्री जयपुर आ जाते हैं और वो इसके पुनर्गठन का कार्य करते हैं। 1942 में, 1942 से पहले एक घटना होती है, 1939 में नागरिक स्वतंत्रता के लिए सत्याग्रह चलाया जाता है जयपुर में। 1939 में नागरिक स्वतंत्रता के लिए सत्याग्रह चलाया गया, और इस सत्याग्रह का नेतृत्व हीरालाल शास्त्री ने किया, और नेतृत्व के दौरान इन्हें जेल जाना पड़ा और 6 माह तक ये जेल में बंद रहे। 1942 में जैसे ही जमनालाल बजाज की मृत्यु होती है, जमनालाल बजाज की मृत्यु के बाद ये जयपुर प्रजामंडल के सर्वेसर्वा हो जाते हैं।
ये जिस जयपुर प्रजामंडल को 1937 में इन्होंने पुनर्गठित किया था, वही जयपुर प्रजामंडल के ये दो बार महामंत्री और दो बार अध्यक्ष बनते हैं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शास्त्री जी जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के साथ जेंटलमैन एग्रीमेंट करते हैं, जिसके तहत जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेता। इस जेंटलमैन एग्रीमेंट की हालांकि बहुत जगह आलोचना होती है, पर यह प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग जयपुर प्रजामंडल ने हीरालाल शास्त्री के कारण नहीं लिया। 1947 में इन्हें अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद का महामंत्री बनाया जाता है हीरालाल शास्त्री को, और इसी साल शास्त्री जी को जयपुर रियासत की ओर से संविधान सभा में चुना जाता है। अब संविधान सभा में चुनने के बाद संविधान सभा में जो इनका सबसे बड़ा कार्य रहता है, वो सबसे बड़ा कार्य रहता है कि इन्होंने एक समान नागरिक अधिकारों की वकालत की। इन्होंने कहा न कोई राजा होगा न कोई जमींदार होगा, सब एक समान होंगे। और इनकी इन्हीं विचारों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को अत्यधिक प्रभावित किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल, चूंकि हम सब जानते हैं कि भारत के एकीकरण के महान लोक पुरुष रहे हैं, एकीकरण करता रहे हैं भारत का, और ये एकीकरण कर रहे थे, और इसी दौरान 30 मार्च 1949 को राजस्थान एकीकरण का चौथा चरण होता है, वैध राजस्थान, जिसमें लगभग राजस्थान का एकीकरण होता है, और इस एकीकरण के चरण में, वैध राजस्थान के चरण में एक प्रधानमंत्री बनाया जाना होता है। प्रधानमंत्री का पद बाद में मुख्यमंत्री होता है, ठीक 7 दिन बाद में ही, 7 अप्रैल को, पर इस समय 30 मार्च 1949 को प्रधानमंत्री हैं। और प्रधानमंत्री की इस दौड़ में हीरालाल शास्त्री, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल के विश्वसनीय थे, इसके अलावा जयनारायण व्यास और माणिकलाल वर्मा भी पूरी लॉबिंग कर रहे थे, क्योंकि इसके पहले के चरणों में वो प्रधानमंत्री रह चुके थे, तो वो भी प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। परंतु सरदार पटेल ने हीरालाल शास्त्री को वैध राजस्थान का प्रधानमंत्री नियुक्त किया, और इसके बाद 30 मार्च 1949 को जब इसका उद्घाटन समारोह होता है राजस्थान का, उस समय बड़ा ही राजनीतिक विवाद होता है, और जो कांग्रेस पार्टी आजादी के लिए लड़ रही थी, आजादी के दौरान संघर्ष किया, जो नेता कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे, उन्हीं में फूट पड़ जाती है। कांग्रेस में एक गुट होता है हीरालाल शास्त्री, जो प्रधानमंत्री बने हैं, और इस समय प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं गोकुल भाई भट्ट, ये हीरालाल शास्त्री के मित्र हैं, और दूसरा जयनारायण व्यास और माणिकलाल वर्मा के नेतृत्व में एक गुट बन जाता है, जिनको प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया यहां तक भी ठीक था, परंतु यहां उद्घाटन समारोह में जो मुख्य स्टेज था, इस पर 3 पंक्तियां बनाई गई। सबसे आगे की पंक्ति में राजघराने के लोग और हीरालाल शास्त्री, दूसरी पंक्ति में पीछे सभी प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, और तीसरी पंक्ति में कांग्रेस के प्रमुख नेता, जिनमें जयनारायण व्यास थे, माणिकलाल वर्मा थे, टीकाराम पालीवाल थे, इनके लिए जगह निर्धारित की गई। और जब इनकी जगह तीसरी पंक्ति में निर्धारित की गई, तो टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास और माणिकलाल वर्मा ने इस उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया, और यहीं से इनकी दरार बढ़ती गई। यहां तक दरार इनकी थोड़ी कम थी, परंतु इन सभी नेताओं को जिन्होंने बहिष्कार किया, इनको ऐसे लगा कि हमें शांत करने के लिए हमारे लोगों को और हमको जो मंत्रिमंडल होगा उसमें उचित स्थान दिया जाएगा। परंतु हीरालाल शास्त्री जब अपना मंत्रिमंडल गठन करते हैं, तो इन लोगों की किसी भी साथी को इसमें जगह नहीं दी जाती, इसके कारण ये पुरजोर इसका विरोध करने पर उतारू हो जाते हैं, यानी हीरालाल शास्त्री को हटाने पर उतारू हो जाते हैं।
आगे क्या होता है साथियों कि 7 अप्रैल 1949 को ये प्रधानमंत्री हैं, इस प्रधानमंत्री पद नाम बदलकर जो वैध राजस्थान का प्रधानमंत्री था उसका मुख्यमंत्री कर दिया जाता है, और इस प्रकार 7 अप्रैल 1949 को राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री बनते हैं। अब हीरालाल शास्त्री हैं, ये बने हैं मुख्यमंत्री। इसके बाद में जो विरोधी गुट था, जयनारायण व्यास, मणिकेलाल वर्मा, ये सभी किशनगढ़ अजमेर में राजस्थान कांग्रेस का एक सम्मेलन बुलाते हैं, और इस सम्मेलन में हीरालाल शास्त्री और गोकुल भाई भट्ट जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है इनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देते हैं। और इसी अधिवेशन में जयनारायण व्यास को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है, और इसका टेलीग्राम तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को किया जाता है कि आप, हमने ये प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया है और राजस्थान के मुख्यमंत्री आप नाम सुझाएं। परंतु सरदार पटेल कट्टर समर्थक थे हीरालाल शास्त्री के, तो उन्होंने प्रत्युत्तर में कहा कि नहीं तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चेंज किया जाएगा, क्योंकि वो आपके अधिकार क्षेत्र की नहीं मेरे अधिकार क्षेत्र की बात है, और जहां तक मुख्यमंत्री की बात है तो मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री रहेंगे। तो यह साथियों, जब सरदार पटेल थे तब तक एक मजबूती से हीरालाल शास्त्री अपने इस पद पर डटे रहे, और जो विरोधी गुट था व्यास और वर्मा जी का, ये कुछ नहीं कर पाए। इसी बीच में 1950 में राष्ट्र कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है, और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चुनाव है ये दो व्यक्ति लड़ते हैं, एक पुरुषोत्तम दास टंडन जो पटेल गुट सरदार पटेल गुट से समर्थित थे, और दूसरे थे जेबी कृपलानी जो जवाहरलाल नेहरू गुट से उम्मीदवार बनाए गए थे। तो अब दो गुट आमने सामने हैं, दो प्रत्याशी आमने सामने हैं, और राजस्थान में भी दो गुट थे, एक शास्त्री जी के नेतृत्व में था और दूसरा व्यास जी और वर्मा जी के नेतृत्व में था। तो सीधा सा स्वाभाविक सी बात थी कि शास्त्री जी के नेतृत्व वाला गुट है, इसने सरदार पटेल समर्थित उम्मीदवार टंडन जी का समर्थन किया, और व्यास जी और वर्मा जी ने नेहरू जी समर्थित जी बी कृपलानी है उनका जो नाम है उनका समर्थन किया, उनका उम्मीदवार है उनका समर्थन किया। चुनाव हुए और चुनाव में पुरुषोत्तम दास टंडन जो पटेल समर्थित थे वो जीत गए। इसके बाद पूरी मजबूती से ही कार्य करना प्रारंभ हीरालाल शास्त्री करते ही हैं कि अनहोनी घटना होती है। अनहोनी घटना ये हुई कि सरदार पटेल की 15 दिसंबर 1950 को मृत्यु हो गई, और जैसे ही सरदार पटेल की मृत्यु हुई मृत्यु के बाद में हीरालाल शास्त्री पूरी तरह से निर्बल हो गए। नेहरू जी एक छत्र राज करने वाले कांग्रेस पे हो गए और उनका हाथ व्यास जी और वर्मा जी पे था, तो शास्त्री जी ने जब चारों ओर देखा और अपने को निर्बल पाया तो 3 जनवरी 1951 को त्याग पत्र दे दिया, और 5 जनवरी 1951 को इनका स्वीकार कर लिया गया, और 5 जनवरी 1951 तक ये राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। इस प्रकार ये राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री थे। राजस्थान में 3 मनोनीत मुख्यमंत्री रहे हैं 1952 में जब तक आम चुनाव होता है, और आम चुनाव 1952 के बाद में निर्वाचित मुख्यमंत्री बने हैं। तो हम आज बात कर रहे हैं पहले मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री जी की, ये 7 अप्रैल 1949 से लेकर और 5 जनवरी 1951 तक मनोनीत मुख्यमंत्री रहे, और जब पटेल जी की मृत्यु के बाद इनका कोई संरक्षक नहीं बना तो इनको मजबूरी में त्याग पत्र देना पड़ा। अब 1952 में चुनाव होने हैं, और चुनाव में अपनी दयनीय स्थिति जानकर हीरालाल शास्त्री जी एक बार तो वनस्थली आ गए, परंतु फिर पुणे जयपुर गए और अपने साथियों के साथ बैठक की और एक नई पार्टी की घोषणा कर दी। वह पार्टी थी जनता पार्टी।
कि जनता पार्टी है ये 1952 का आम चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस के विरुद्ध लड़ेगी। परंतु कांग्रेस के विरुद्ध जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा पर कोई विशेष सफलता नहीं मिली। इस कारण फिर शास्त्री जी है ये किनारे पर हो गए। हालांकि कुछ समय बाद में देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने शास्त्री जी को उनका राज्य की राजनीति में हस्तक्षेप छोड़कर केंद्र में आने का न्योता दिया और स्वाई माधोपुर से 1957 के द्वितीय लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का टिकट दिया और वहां स्वाई माधोपुर से वो लोकसभा चुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंचे। 1957 से 62 तक वो लोकसभा सदस्य रहे स्वाई माधोपुर से, परंतु यहां भी उनको राजनीति रास नहीं आई और 1962 के बाद फिर ये वनस्थली विद्यापीठ चले गए और वहीं आजीवन रहे। वनस्थली विद्यापीठ में सेवा कार्य करते हुए वनस्थली विद्यापीठ को एक भारत की सबसे बड़ी संस्था बनाने में इनका बड़ा योगदान रहा है और 28 दिसंबर 1974 को यही वनस्थली विद्यापीठ में इनकी मृत्यु होगी। 1976 में इन पर भारत सरकार ने एक डाक टिकट जारी किया 1976 में। तो ये इनका जीवन परिचय था और इनकी कुछ रचनाएं जिनको बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है वो कि इन्होंने 1930 में एक प्रसिद्ध गीत लिखा परले प्रतीक्षा नमो नमः। परले प्रतीक्षा नमो नमः शास्त्री जी का प्रसिद्ध गीत था। इसके अलावा एक अन्य गीत था बाण्या रे बाण्या, बाण्या रे बाण्या, ये एक दूसरा गीत था। इसके अलावा इन्होंने आत्मकथा लिखी प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र और इसके बाद में इसके अलावा इनकी बहुत सी रचनाएं भी है। जैसे रचनाओं की अगर हम बात करें तो इनकी रचनाओं में चेतसी भारतीय नारी, चेतसी भारतीय नारी पद्य 25, गीत 25, विविध पदावलियां, बीमारी और इलाज, इस तरह से इन्होंने बहुत सी रचनाएं लिखी और अपने जीवन में 1899 से लेकर 1947 तक जयपुर प्रजामंडल के लिए अलग अलग इन्होंने कार्य किए। जयपुर अपने राज्य के लिए कभी सरकारी सेवा में रहते हुए, कभी स्वतंत्रता आंदोलन में प्रजामंडल की ओर से, और एक प्रखर विद्वान और शिक्षक ये हमारे प्रथम मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद में दूसरे जो मुख्यमंत्री बनते हैं वो सीएस वेंकटाचारी बनते हैं और वो राजस्थान के एकमात्र प्रशासनिक अधिकारी हैं जो मुख्यमंत्री बनते हैं। अगले वीडियो में हम उनके बारे में देखेंगे। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।